अवामी टाइम्स में आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 220 बीजेपी के दिग्गज नेता नगर सेवक और माजी एमएलए जनाब श्री अतुल जी के नेतृत्व में चलने वाला माधोबाग वैक्सीनेशन सेंटर के जरिए आज 20,000 से भी ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, जिसकी सराहना बीएमसी के मेयर ने भी की है। इस अवसर के साथ डॉक्टर्स की टीम की सराहना करते हुए उनको कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट जनाब अतुल शाह जी के हाथों से देकर सम्मानित किया गया। आज हमारे डॉक्टर प्रदीप कसाड़े, जो सी वार्ड के हमारे मेडिकल ऑफिसर है, उन्होंने ये आग्रह किया हमको कि 100 करोड़ के वैक्सीन हिंदुस्तान में लगे हैं, तो क्यों नहीं अपने सेंटर पर हम लोगों का, कार्यकर्ताओं का और यहाँ के स्टाफ जो नर्सिस है, कंप्यूटर पर जो बैठते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनका अप्रिसिएशन करें। तो उसके अंतर्गत ये छोटी सी सजावट फूलों की, ये दिए लगाए हैं प्रतीकात्मक, और सबको इस तरह के सर्टिफिकेट हमने ब्रॉन महानगर पालिका सी विभाग और मैं वार्ड 220 का नगर सेवक, हमने ऐसे सर्टिफिकेट सबको दिए और उनका उत्साह बढ़ाया। फरवरी में ये वैक्सीनेशन ड्राइव चालू हुआ, तब मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर को पहले दिया जाता था, फिर सारी जनता के लिए खुला। लोगों ने बहुत भीड़ में पहले आए, मगर आज 100 करोड़ का टप्पा अपने देश ने पार किया है। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सारे हिंदुस्तान में ये लस फ्री ऑफ चार्ज दिया है, उसका हम सबको आनंद है। और अपने देश में दो वैक्सीन बनी है, इससे ज़्यादा आनंद है। एक ज़माना था जब हमको निर्भर रहना पड़ता था वैक्सीनेशन के लिए, उदाहरण था पोलियो की वैक्सीनेशन मिलती नहीं थी, कितने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं मिलने से पोलियो हुआ। आज आत्मनिर्भर हो गए, पहले हम निर्भर थे, आज हम आत्मनिर्भर है, यही प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भरता। उसके अंतर्गत ये वैक्सीनेशन और हमारा ये सेंटर सबसे अच्छा सेंटर मुंबई में है, ऐसे खुद मेयर ऑफ मुंबई किशोरी पेडणेकर जी ने भी कहा है कि ये सबसे सेंटर बड़ा है। अब हम 5 महीने एयर कंडीशन में थे, अब यहाँ पर मंदिर खुल गए, इससे हम बाजू के जगह पर आए, अभी ठंडी का मौसम भी आ जाएगा, फिर भी यह सेंटर को और अच्छा बनाने का हम प्रयत्न करेंगे। आप यहाँ पर सबको ये सर्टिफिकेट देने को हम सबको बहुत आनंद हो रहा है। मैं डॉक्टर आरन राज, प्रवीण राज और डॉक्टर प्रदीप कसाड़े का मैं दिल की गहराइयों से इनका अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने हमको ये कार्यक्रम करने का प्रेरणा दी, अप्रिसिएशन का। थैंक यू वेरी मच। हमारे यहाँ लगभग 20,000 से ऊपर, और कोवैक्सीन का हमारा कैंप अलग, हमारे इतने डोजेज अभी तक हो गए हैं और पूरा उसका डाटा हमारे पास है। आपको ये भी बता दें कि इस्लाम जिम खाना में आयोजित ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की ओर से जनाब अतुल शाह की इतनी सारी बेपनाह खिदमत की सराहना करते हुए आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है जी। आपके वैक्सीनेशन सेंटर से काफ़ी ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हुए हैं, जो सारे हिंदुस्तान में काम करती है और मेरे जैसे छोटे एक नगर सेवक का काम की भी कदर की है, ये अपने आप में ऐसे लगता है समाज में मैं अकेला नहीं, हम जो करते हैं उसको लोग देखते भी हैं। ये मैंने कभी काम करते हुए सोचा नहीं था कोई मेरी कदर करे, मगर आज जब सारा 2-2.5 साल का काम याद करता हूँ तो मुझे सचमुच लगता है कि मैं लोगों के बीच में रहा, लोगों ने भी उसकी कदर की। आज मैं पिछले 5 महीने से वैक्सीनेशन सेंटर चला रहा हूँ, लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन ले लिया है और मुंबई के मेयर ने कहा है कि मेरा सेंटर सबसे बेस्ट सेंटर मुंबई में है। तो बस एक लोक प्रतिनिधि की इच्छा क्या होती है, जनता जनार्दन उसके साथ रहे, लोग उसकी सराहना करें उसकी काम की, तो और काम करने की शक्ति मिलती है। यही आज का यहाँ पर ये अवार्ड लेके मुझे अच्छा लग रहा है।